मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। साथियों, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है, मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। यह बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047, जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। साथियों, मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया।
लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है देश के लिए जूझना है एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा आप उसके बाद जाइए मैदान में सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश देश के गरीब देश के किसान देश के युवा देश की महिलाएं उनके सामर्थ्य के लिए उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला। अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं उनको अवसर दीजिए चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का उनकी आवाज को रोकने का उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं ये सदन देश के लिए है ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा तक के लिए है।
मुझे मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं, जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है। देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है, देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं पूरा ही आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का, भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थे अगले 5 साल देश के लिए लड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। दल से ऊपर उठकर देश के लिए काम करना है, तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। कल बजट पेश होना है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। देश ने अपना फैसला दिया, 8% विकास दर के साथ हम आगे बढ़े, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े बयान दिए, साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष को भी कहा कि आप जब चुनावी साल आए आप चुनाव लड़ने की सोचिए, लेकिन उससे पहले देश के लिए सोचिए। और देश ने अपना फैसला ले लिया है और उन्होंने कहा कि 2047 तक हमें भारत को कैसे और आगे बढ़ाना है, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो बजट पेश होने वाला है वो देश के सपनों वाला बजट होगा, यानी कि बजट को लेकर के भी संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं कि भारतवासियों के लिए इस बजट में बहुत कुछ है जो आगे की दिशा को और अग्रसर करेगा। आगे की एक जो विकसित भारत की संकल्पना है उसको वो निर्धारित करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बातें कही, अपना संबोधन उन्होंने दिया। आज सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है और सावन के इस पहले सोमवार को मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। तो देखिए कि मजबूत नींव रखने वाला यह बजट, जिसके बारे में चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में किया है। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष को भी कहा कि दल से ऊपर उठ करके देश के लिए काम करने की जरूरत है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबोधन के दौरान क्या क्या बड़ी बातें कही। तो अगले 5 साल देश के लिए लड़ेंगे, जिस बात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दल से ऊपर उठकर देश के लिए काम करना जरूरी है। 6 महीने में जितना खेलना था खेल लिया, अब देश को आगे बढ़ाने के लिए सोच रखनी होगी। 8% विकास दर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ये अच्छे संकेत है भारत की विकास यात्रा का, इसे अहम पड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे माना है। और साथ ही कहा कि यह सत्र सपनों की नींव रखने वाला होगा, यानी कि बजट सत्र से काफी उम्मीद है, हमें एक साथ मिलकर काम करना है। इस बात को भी पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने कहा कि संसद का सत्र सकारात्मक हो, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए,
इसके साथ उन्होंने कहा कि बजट 5 साल के लिए दिशा तय करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा